अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, सुपर इजी और टेस्टी नारियल बर्फ़ी या कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको कि हम खोपरा पाक भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और इजी रेसिपी है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 1 कप भरकर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा लिया है, जो कि वज़न में 100 ग्राम है, और हमने 250 ग्राम खोया या मावा लिया है। साथ ही हमने 1/2 कप चीनी ली है, जो कि वज़न में 100 ग्राम है। ये तीनों इंग्रेडिएंट इस बर्फ़ी के बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं वो सब ऑप्शनल हैं। जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर सूखे गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, 1 टेबल स्पून भरकर ही बादाम लिए हैं, और 1 टेबल स्पून ही पिस्ते लिए हैं, जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही 6 सब्ज़ी इलायची ली हैं, जिन्हें हम छील कर पीस लेंगे, और 2 टेबल स्पून गर्म दूध में हमने 1 चुटकी ज़ाफ़रान डालकर भिगो दिया है। अब हम एक पॉट लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करके इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, और साथ ही इसमें चीनी शामिल कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए बॉईल करेंगे, जिससे कि चीनी नीचे की तरफ नहीं चिपकेगी। हमने चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम ली है, जिससे कि चाशनी जल्द तैयार हो जाएगी। हम इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, जब तक कि इसकी क्वांटिटी थिक होकर हाफ रह जाए या फिर 2 तार की चाशनी तैयार हो जाए। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी घटकर हाफ रह गई है। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे, जिसे हमने पहले से कद्दूकश किया हुआ है। खोए को अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक कुक करेंगे। अभी देखें, खोया चाशनी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। इसमें कोई लम्स भी नहीं है। बस इतना ही हम इसे कुक करेंगे। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ही हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये खोया अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें नारियल का बूरा शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल के बूरे को अगर गर्म चाशनी या खोए में शामिल कर दिया जाए तो वो अपना ऑयल रिलीज़ करने लगता है, और उसकी वजह से बर्फ़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमेशा ख्याल रखें कि नारियल बर्फ़ी बनाते वक्त इसे हमेशा ठंडा करने के बाद ही चाशनी में शामिल करें, या फिर इसकी चाशनी पूरी थिक हो जाने के बाद पूरी रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उस वक्त इसे इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। बर्फ़ी बनाते वक्त इन टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आपकी बर्फ़ी परफेक्ट भी बनेगी और टेस्टी भी। अब ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह की एक प्लेट लेंगे और इसमें 1 टीस्पून भरकर ऑयल या घी डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम बर्फ़ी का मिक्सचर डाल देंगे। और मेरे पास ये राउंड शेप की प्लेट थी, अगर आपके पास कोई चौकोर या स्क्वायर शेप की प्लेट हो तो ज़्यादा बेटर है। अब इस मिक्सचर को डाल देने के बाद हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसे फ्लैट करेंगे, और सब तरफ से इवन हो जाने तक इसे प्रेस करते रहेंगे। इसे अच्छे से फ्लैट कर लेने के बाद इसके ऊपर हम चॉप किए हुए पिस्ते और बादाम डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे, और साथ ही जो हमने गुलाब की पत्तियां ली थी क्रश कर लेंगे इनको भी, और इसके ऊपर इसे भी डाल देंगे और अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, और प्रेस करते हुए इनको चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट न डालने से भी बर्फ़ी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। और मैंने इस पर एक सिल्वर वर्क भी अप्लाई कर दी है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसमें एक मिठाई वाला लुक आ जाता है। अभी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम 2 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रखेंगे। 2 घंटों के बाद ये बर्फ़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे, और मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब ये देखिए, बर्फ़ी को कट कर लेने के बाद मैं इसका एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये परफेक्टली सेट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने कि कितनी जल्द और आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसी नारियल बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे त्योहारों पर बनाएं, दावतों में, या फिर यूं ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है, और बहुत जल्द और कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। आप इस कोकोनट बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ नारियल बर्फ़ी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।